तो फ्रेंड यहाँ पे हो गया दोपहर का टाइम और हमारे लेडीज़ के लाइफ में ना सिर्फ किचन ही लिखा है, शायद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम किचन किचन किचन। तो फिर वही काम किचन का, तो दोपहर का लंच बनाने के लिए मैं आ गई हूँ और आटा वगैरह गूँथ रही हूँ और लंच बनाऊँगी। और दाल चावल रोटी सब्जी यही लंच में हम लोग खाते हैं, चावल दाल ज़रूर बनता है तो वही सब बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग। शीत नहा लिए हैं, रेडी हो चुके हैं बदमाशी करने के लिए। यहाँ पे खूब शैतानी हो रही है अक्षित की, है ना इक्षु? क्यों करते हो शैतानी? अब इनके एक और जो इनके पार्टनर है वो आने वाले हैं, तो ये दोनों मिलके तहलका मचाएंगे और रोज हेडेक होगा। अने यक्षु जाओ दादू, दादू को दिखा दो। तो यहाँ पे मेरा नया चाय बनाने का तरीका देखिए, किसमें चाय बन रही है और मैंने क्या बनाया। देखिए ये तोरी की सब्जी बनाई है मैंने और ये रानी दीदी हैं, और आलू गोभी की सूखी सब्जी, दाल चावल और रोटी बस। तो यहाँ पे खाना वगैरह हो गया है और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ यक्षित को खाना खिलाने के लिए। बट पता है बच्चे सुनते नहीं हैं जल्दी, तो अभी तभी से मैं बोल रही हूँ मतलब इतना। और यहाँ पे यक्षित के चाचू जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि ये ऑफिस जाना होता है इनको, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाते हैं, तो ये आज जा रहे हैं। और ये अक्षित बच्चों का संस्कार देखिए, मतलब इसे पता है कि पैर छूना है, किसी ने बोला भी नहीं, इसने इतने अच्छे से पैर छू लिया। और बस इनके चाचू चले गए हैं दिल्ली और यक्षित की शैतानी दिखाते हैं आपको। क्या है? मैं नहीं खाऊंगा, मैं गला खराब है, मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, तुम इसको देख के और अपना खाओ ना, मेल्ट हो जाएगा। जाओ अपना ले जाओ, मुझे ये भी ले जाओ। वो नहीं, कौन खाएगा? मुझे नहीं मन है, मेरा गला खराब है यार, ज्यादा खराब हो जाए। ठंडा पानी कब पी? ये पॉप्सिकल किसका है? ये वाला मैं खा सकती हूँ। यहाँ पे यक्षित अपने अम्मा दादू को फर्स्ट टाइम कैरम खिला रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना बड़ों को कोई भी काम करवा सकते हैं इजीली जिद करके। तो यहाँ पे मम्मी डैडी कैरम खेल रहे हैं, अच्छा लगता है ना नाती पोते के साथ जब बड़े ग्रैंड फादर मदर खेलते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो बॉन्डिंग होती है इनकी। शैतानी भी करता है, डांट भी सुनता है और प्यार भी बहुत करते हैं। और यहाँ शाम के टाइम मैं बना रही हूँ चाय नमकीन, तो पूरे दिन आज ऐसे ही निकला। और यक्षित ने बनवाई मेरे ड्राइंग बनाई है हनुमान जी की, ये आज ही कॉपी ले आए हैं और एक ड्राइंग भी बन गई आज। अभी गए हमने दादू के पास। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, नेक्स्ट डे का ब्लॉग, तो इसी में मैंने ऐड कर दिया है। और आज दिखाती हूँ आज मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाए, ब्रेड, और फिर दोपहर के लंच में आज मैंने बनाया चावल सब्जी। मेरे हस्बैंड को चावल सब्जी बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, तो मैंने न्यूट्रीला आलू और ये सब डाल के टमाटर वगैरह बहुत अच्छी सी सब्जी बनाई।
और यहाँ पे यक्षित के भैया जो यीशु भैया हैं बहुत ये गांव गए थे तो फिर ये आ गए हैं, तो इनके साथ यक्षित खेल रहे हैं। और ये हैं यक्षित की सिस्टर परी, तो ये बैठी हुई हैं। और हमारे सब्जी देखिए ग्रेवी वाली बहुत ही टेस्टी लगती है चावल से, तो ये मेरी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, तो शाम को मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ। तो ये मैं ऊपर आ गई हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे सभी लोग हैं, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो बस मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। मार्केट, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना है। आप लोगों को बताऊंगी कि मम्मी कहाँ जा रही हैं, बहुत अर्जेंट। और अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी कुछ सामान लेना है, मुझे भी लेना है। प्लीज़ ब्लॉग बन रही है, आपको चलते हैं। बहुत गर्मी है इसलिए मैंने बालों को ऐसे बना लिया है, कितनी गर्मी हो रही है। बक्से पे नहीं है जी, नहीं मिल रहा है पिंक वाला देखिए यहाँ खुद है इसमें पर्स को यहाँ पे हो गया है वही रात का टाइम, डिनर का टाइम। तो डिनर में मैं आज ये बना रही हूँ बेसन की चीले वाली जो सब्जी होती है वो। और यहाँ पे ये मैंने न्यू तवा जो यूज़ किया है डोसे तवा का, इसने मेरा मूड ऑफ कर दिया, मैं से ये निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, वहाँ तो डेली वाला जो है उसमें मेरे से आसानी से निकल जाता है। फिर मम्मी आई, फिर मम्मी ने टेक्निक लगाई और बस इसे निकाल दिया। मम्मी लोग जो काम करती हैं ना वो हर चीज़ पॉसिबल हो जाता है, तो जहाँ पे मुझे जो चीज़ नहीं आती है वहाँ मैं मम्मी को बुला लेती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी निकाल दिए, एक बना के चली गई, फिर मैंने सारा बना लिया, क्योंकि फर्स्ट में जो होता है ना निकलता नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे मम्मी बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करो ऐसे करो, तो बस निकल जाएगा। और इधर मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ कुकर रख के। तो ये वाली सब्जी की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब पे, और आज फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करना अगर आप लोगों के घर नहीं बनता हो तो। वैसे तो मुझे लगता है कि बनता होगा, जो हम लोग यूपी साइड वाले हैं इसे बहुत खाते हैं, तो यूपी साइड वाले इसे ज़रूर बनाते होंगे। तो ये हमारा चीला जो है, देखा ऐसे गोल गोल बना के फिर इसे ऐसे लपेट देते हैं और रेडी हो जाता है। तो मैंने मसाले में डाला था लहसुन, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, और जो ब्लैक वाले सरसों होते हैं वो, और इसे पीस दिया था मिक्सी में अच्छे से। तो ये हमारा जब अनियन अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसमें इसके मसाले को डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर देंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। और बस इसमें खूब सारा पानी डाल के इसे प्रेशर लगा देंगे, फिर जब ये जो मसाले हैं ग्रेवी पक जाएगी फिर हम इसमें जिसने जो छीला बनाई थी उसके पीसेस कट करके इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, इसका प्रेशर नहीं लगाएंगे नहीं तो ज़्यादा गल जाएगा। तो बस हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए रख दिया, फिर मैं यहाँ पे आटा गूंथ लूँगी। मम्मी अपना ऊपर पैकिंग वगैरह कर रही हैं और कल जाने के लिए, और मैं नीचे जल्दी डिनर बना लेती हूँ ताकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। सुबह उठ के मम्मी को
मतलब जो भी तैयारी वगैरह करानी है वो करना है, चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, कि सुबह सुबह ही निकल जाएंगी 6:30 पे निकल जाएंगी, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं और दिखाते हैं आपको। यहीं रख दो बेटा, ऊपर ना जाना। क्या लाए हो? क्या लाए हो? और ये इतना सारा सामान ला दिया? ओ माय गॉड, तुम्हारा मखाना फेवरेट। चोको पाई। चलो अभी हमारा किचन थोड़ा सा मिस्टी हुआ है, गंदा ही है क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज रहेंगे हैं। यहाँ पे ऊपर सब लगेगा जो मॉडलर किचन होता है वैसा, तो बस ऐसे ही गर्मी की वजह से हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा आराम है, ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को अस्त व्यस्त लग रहा होगा सामान, तो इग्नोर करिएगा इस सामान को क्योंकि कितना भी ऑर्गेनाइज करे सामान ज्यादा तो इधर उधर बिखर जा रहा है। चलते हैं, रोटी बनाते हैं। ले लिया हम लोग, ले रानी से मंगा दी मम्मी, 100 इतना मंगाई। तो फ्रेंड हम लोगों ने खाने वगैरह खा लिया है और अभी चलते हैं वहाँ पे, मम्मी अभिषेक और ये और मैं, तो दिखाते हैं आपको। छोटे ने एक बर्थडे में जा रहे थे, पूरा पानी लगा था तो साइड से गिर गया। कूलर टीना वाला बहुत अच्छा होता है, बट कोई आज कल नहीं लग रहा। मैं डॉगी का गाना सुनाऊं? डेंजरस गली है, कहाँ निकलेंगे? मंदिर पे आज? बताइए कहाँ गए थे?